स्टूडेंट्स, आज हम डी एड एस सी वी आई सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, कॉमनली अडॉप्टेड टेस्ट फॉर असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन के लिए मुख्यतः उपयोग किए जाने वाले टेस्ट। तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जो लो विजन बच्चे हैं, इनको कैटेगराइज करने के या इनका आकलन करने के लिए किस प्रकार टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है या किस प्रकार के टेस्ट के माध्यम से इन बच्चों का आकलन किया जाता है और तब निर्धारित किया जाता है या इनकी पहचान की जाती है कि ये बच्चा लो विजन है, ये बच्चा दृष्टिबाधित है या ये सामान्य है। तो जो ये टेस्ट हैं, ये कौन कौन से टेस्ट हैं या इनकी क्या प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये क्रिया की जाती है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो डॉक्टर जिल किफे ने WHO के एनुअल प्रोग्राम में जो ये एक जांच प्रणाली का विकास किया, इस जांच प्रणाली के माध्यम से बच्चों के असेसमेंट किया जाता है, व्यक्ति का असेसमेंट किया जाता है जिसके माध्यम से उनको कैटेगराइज किया जाता है। ये जो असेसमेंट्स थे या ये जो टेस्ट थे, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे और इनको 32 देशों ने अपनाया भी। तो इसमें किन किन चीज़ों पर टेस्ट किया जाता है, तो इसमें तीन प्रकार के कैटेगराइज किए गए। सबसे पहला किया गया विजुअल एक्विटी का टेस्ट, जिसमें पहले दूर की विज़न का टेस्ट किया जाता है। फिर दूसरा आता है टेस्टिंग नियर विज़न, मतलब जो निकट की दृष्टि का टेस्टिंग की जाती है। और फिर आता है टेस्टिंग ऑफ विजुअल फील्ड, मतलब कि दृष्टि क्षेत्र का टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल एक्विटी की। विजुअल एक्विटी मतलब दृश्य तीक्ष्णता, इसके माध्यम से व्यक्ति कितनी दूर तक देख पा रहा है या कितनी चीज़ों को देख पा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इसके माध्यम से जांच की जाती है। तो इसका प्रयोग जो जिल किफे ने, उन्होंने ई चार्ट के माध्यम से यह जांच प्रणाली तैयार की। जैसे इसमें 7 लाइन को या 8 लाइनों को डिवाइड किया गया, जिसमें जो पहली लाइन थी वो 6x60, फिर दूसरी 6x36, फिर 6x24, 6x18, 6x12, 6x9, 6x6 और 6x5। इसके आधार पर बच्चा जितने नंबर्स के फॉन्ट्स को, जितने बड़े अक्षर को फॉन्ट्स को पढ़ पाता था या जितनी लाइन्स को वो पढ़ पाता था, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो दृष्टि तीक्ष्णता थी वो जाँच की जाती थी। मतलब इसको जांच करने के लिए जो व्यक्ति की जो एक सुचेबल दूरी थी वो 6 मीटर की थी। 6 मीटर के माध्यम जो चार्ट है और जो बच्चा है उसमें कम से कम 6 मीटर की दूरी हो या 20 फीट की दूरी हो। तो यह दूरी या तो इंची टेप से मार्क कर लें या किसी भी चीज़ से मार्क करके ये 6 मीटर की दूरी पर यह टेस्ट किया जाता है। और फिर बच्चे की जो टेस्टिंग है वो प्रोसेस की जाती है। इसकी क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो जो विजुअल एक्विटी का जब टेस्ट किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले दोनों आँखों का अलग अलग टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग दाएं आँख से की जाती है, उसके बाद बाएं आँख में टेस्टिंग की जाती है। जब दाएं आँख की टेस्टिंग की जाती है तो बाएं आँख को ढक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो बच्चा एक हाथ से क्लियरिटी कितना देख पा रहा है, कितना नहीं देख पा रहा है, ये क्लियर रहे। उसके बाद फिर हम बाएं आँख की टेस्टिंग करते हैं, तो बाएं आँख की टेस्टिंग करते समय दाएं आँख को बंद कर दिया जाता है। फिर उससे एक आँख से जो ई चार्ट है उसको बोला जाता है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, जिसके माध्यम से वो क्लियर रूप से देख सकता है, पढ़ सकता है। उसके पश्चात जब दोनों की अलग अलग आँख की जाँच हो जाती है, उसके बाद दोनों आँखों की एक साथ जाँच की जाती है और फिर उसको ई चार्ट को पढ़ाया जाता है। उसके पश्चात अगर व्यक्ति चश्मा पहनता है तो पहले तो उसकी बिना चश्मे की जाँच की जाती है, उसके बाद उसकी चश्मा पहन के जांच की जाती है कि वो चश्मे के माध्यम से भी कितनी लाइंस को पढ़ पा रहा है। उसके पश्चात जब व्यक्ति किसी लाइन को, जिस लाइन को वो आखिरी तक पढ़ पा रहा है, उसकी वही तीक्ष्णता को नोट कर लिया जाता है कि व्यक्ति इतनी दूरी तक पढ़ पा रहा है। जैसे अगर व्यक्ति तीसरी लाइन तक पढ़ रहा है जिसमें 6x24 है, तो उसकी और उसके बाद वो चौथी लाइन में जो अक्षर लिखे हैं या जो सिंबल्स बने हैं उनको वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसमें तीन चार बार उसको
वही प्रोसेस करने के बाद फिर वहाँ पर उसकी जो दूरी है उसको वहाँ पर नोट कर लिया जाता है कि जो व्यक्ति है वो तीसरी लाइन यानी कि 6x14 तक उस वो पढ़ पाए, यानी कि जो उसकी तीक्ष्णता है, दृष्टि तीक्ष्णता है वो 6x24 है। उसके पश्चात अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो लेटर्स को नहीं पढ़ पा रहा है या कुछ, तो उसके लिए ई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ई चार्ट के माध्यम से जो बच्चा है उसके किस साइड में उसका फेस है, किस साइड में वो घूमा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसी वो जांच की जाती है। और अगर कोई व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से उस चार्ट को नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी दूरी को कम कर दिया जाता है। जैसे अगर जब हम 6 मीटर की दूरी पे किसी व्यक्ति का जांच करते हैं तो हम लिखते हैं 6x60 या 6x36, 6x24, और अगर वो दूरी कम कर दी जाती है तो तब हम नोट करते हैं 5x6, 5x60, 5x36, या जितनी जितनी दूरी कम होती जाती है उतना हम मेंशन करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 1 मीटर की दूरी तक या उससे कम की दूरी तक भी वो चार्ट को नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी जो दृष्टि तीक्ष्णता है वो बहुत कम होती है, तो उसकी जांच के लिए उंगलियों के माध्यम से उंगली दिखाकर, ये कितनी उंगली है, या हाथ दिखाकर इस माध्यम से उसकी जांच की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टेस्टिंग नियर विजन, यानी कि जो निकट दृष्टि है उसकी जांच करने के लिए। तो जो नियर दृष्टि, जो हमारी नियर विजन होती है वो मुख्यतः हमारे जो पढ़ने लिखने, सिलाई करने, या जो हमारे सूक्ष्म काम होते हैं या जो हमारे पास के काम, उनके लिए यूज़ की जाती है। तो जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो होता है 3 फॉन्ट्स के वो लिए जाते हैं, 3 लेटर्स फॉन्ट्स के, उसके माध्यम से ये प्रक्रिया की जाती है। इसमें सबसे पहला जो फॉन्ट होता है वो 48 का, N48 का होता है, जिसमें जो लेटर का साइज़ होता है वो जैसे जो हमारे न्यूज़पेपर है या जो हमारी बुक्स की जो हेडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके उसके अनुरूप होता है। फिर जो दूसरा हमारा होता है वो N20 फॉन्ट का होता है, जिसमें जो हम जो फर्स्ट या सेकेंड क्लास के जो बच्चों के बुक्स के लेटर्स है, जो उनका फॉन्ट होता है उतना बड़ा होता है। और फिर नेक्स्ट जो आता है सबसे छोटा वो N8 आता है, यानी कि जो हमारे नॉर्मल किताबों में जो प्रिंट होता है उसके माध्यम से। तो इन फॉन्ट्स के साइज से उनकी जो नियर विजन है उसकी टेस्ट की जाती है। इसकी क्या प्रोसेस है, इसमें कोई मानक दूरी आवश्यक नहीं होती कि हमें इतनी दूरी पे ही ये करना है। व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जांच को जो कार्ड होता है फॉन्ट साइज N48, N20 या N8 का, उस पर कार्ड पे एक सिंबल होता है ई का या किसी भी चीज़ का, वो पकड़ सकता है। फिर लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए जो टेस्टिंग चल रही है कि जो पीछे से जो खिड़की उससे प्रकाश आता रहे, लेकिन बच्चे को या जो व्यक्ति की आप जो नियर विजन की टेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई चमकती हुई रोशनी या सूर्य की रोशनी ना आए। फिर उसके बाद स्टार्टिंग हमेशा पहले कार्ड से करनी चाहिए, बड़े कार्ड से करनी चाहिए, बड़े फॉन्ट से। उसके बाद बच्चा जिस फॉन्ट तक के लेटर्स को पढ़ पा रहा है उसको नोट कर, अगर बच्चा N20 को पढ़ पा रहा है उसके बाद N8 को नहीं पढ़ पा रहा है फॉन्ट से, तो उसकी जो नियर विजन है वो N20 नोट करें। और अगर बच्चा N8 पढ़ पा रहा है तो उसको वो भी दर्ज कर लेनी चाहिए कि N8 की दूरी तक बच्चे की जो है नियर दृष्टि का, वो नियर विजन का दृष्टि तीक्ष्णता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टेस्टिंग आती है वो आती है विजुअल फील्ड की, यानी कि दृष्टि क्षेत्र की। इसमें क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र का मतलब कि कितनी दूरी तक व्यक्ति देख पा रहा है या कार्य कर पा रहा है। तो जब व्यक्ति चलता है, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और लड़खड़ाता है या किसी व्यक्ति से ठोकर खा लेता है, तो मतलब उसकी जो उसकी दूरी है वो क्लियर नहीं, वो क्लियर रूप से दूर तक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा। तो इसके लिए इसके जांच के लिए जो हमारे आजकल हॉस्पिटल्स में, या जब आप जांच कराना जाओ तो जो मशीन के थ्रू वो जांच करते हैं कि वो मशीन के थ्रू आपका फेस अंदर रखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आप देखो, तो उससे आपको क्लियर, तो उनसे उसको क्लियर होता है कि व्यक्ति कितनी दूर तक कि उस पिक्चर को देख पा रहा है जो उस सिंबल से आपको दिखती है। लेकिन अगर उन मशीन्स के थ्रू जब व्यक्ति जब मशीन्स क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है, या कोई टीचर या कोई और मूल्यांकन करता विजुअल फील्ड का कोई टेस्ट करा, तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि हाथों के माध्यम से व्यक्ति की जांच की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि जो शिक्षक है या जो मूल्यांकन करता है वो व्यक्ति के जस्ट सामने खड़े और उसके बाद उससे कहे, इसकी जो प्रोसेस है उसके लिए उससे वो कहे कि सीधे मेरे सामने देखो, सीधे सामने देखो, एक कोई हाथ, कोई भी हाथ सीधा करके कंधे की ऊंचाई तक लाओ ताकि तुम अपनी बांह को ना देख सको।
उसके बाद अपने मुंह को सीधा रखो, धीरे धीरे अपनी बांह को सामने की ओर लाओ और अपनी बांह को सामने की ओर लाना तब बंद करना जब तुम्हें बिना गर्दन मोड़े अपना हाथ दिखने लगे। मतलब कि व्यक्ति पहले सीधे उससे कहें कि आप वो आपकी तरफ देखे और फिर हाथ को ऊपर सिर के स्तर तक उठाए, अपनी बांह को सीधा रखे और धीरे धीरे अपनी बांह को नीचे लाए। जब बिना आंख या गर्दन हिलाए बांह दिखने लगे तब कहें कि अब रुक जाओ और जो उसकी बांह की स्थिति है वो नोट कर लें। उसके पश्चात यही सेम प्रक्रिया उससे दूसरे हाथ से कराया, तो इससे जो व्यक्ति की जो जहाँ पर उसको बिना गर्दन या आँख हिलाए उसको अपनी बाह दिख रही है वही उसकी एग्जैक्ट विजुअल फील्ड है और उसको वो नोट कर ले। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन सब जांच के माध्यम से जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी एग्जैक्ट विजुअल इक्विटी, विजुअल फील्ड, नियर विजन, डिस्टेंस विजन का पता चलता है और उसे ये समझ में आता है कि व्यक्ति कितनी दूरी तक देख सकता है और कितनी दूरी तक नहीं देख सकता है। थैंक यू।